अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मेथी मलाई पनीर की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 200 ग्राम पनीर, 2 प्याज, 2 टमाटर, 9-10 काजू, आधा कप मलाई या फिर फ्रेश क्रीम, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज पत्ता। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे, हरी मिर्च, कटे हुए टमाटर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2-3 टीस्पून घी डालेंगे, फिर हम उसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मेथी को फ्राई करने से मेथी का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। मेथी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, हमने मिल्क ऐड किया है। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे। उसमें 10 पत्ता, छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग ऐड करेंगे, जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। 1 टीस्पून गरम मसाला, जो हमने मेथी को फ्राई किया था वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। 5 मिनट हो गया है, मेथी मलाई पनीर हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।